वेस्टर्न रेलवे। दोस्तों आज मैं द जर्नी बियॉन्ड सोडर मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हम मैनलैंड के टापू को देखते हैं, जहाँ के सारे रेल इंजन अपना काम बहुत ही खुशी के साथ कर रहे होते हैं। हेनरी मैनलैंड से ब्रिलियंट टंग मालगाड़ी पहुँचाने खुशी खुशी जा रहा होता है और तभी रास्ते बीच एक सिग्नल खराब होने के कारण हेनरी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो आज बहुत ही खुश था। वो पंछियों को ट्रेन को हाय हेलो करते हुए खुशी खुशी जा रहा था और तभी जेम्स थॉमस के पास आता है और थॉमस को चिढ़ाने लगता है। जेम्स कहता है कि मैं मोटा कंट्रोलर का पसंदीदा इंजन हूँ, क्योंकि हेनरी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी जगह मुझे भेजा गया है। अब ये सुनकर थॉमस को भी बहुत बुरा लगता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब यह हेनरी को भी क्रेन की मदद से निकाल लिया जाता है। अब जेम्स रेल यार्ड पहुँचता है हेनरी के डिब्बों को लेने के लिए, लेकिन उसे वो डिब्बे नहीं मिलते। जेम्स फ्रोंजी से पूछता है कि हेनरी के डिब्बे कहाँ पर है, लेकिन फ्रोंजी उसे एक बहुत ही बड़ा झटका देती है। वो बताती है कि हेनरी के डिब्बे तो थॉमस अपने साथ ले गया। अब थॉमस खुशी खुशी ब्रिलिंटन के लिए जा रहा होता है, तभी उससे जुड़े सारे डिब्बे थॉमस को कंफ्यूज करने लगते हैं। वो थॉमस पर बहुत ही जोर जोर से हंस रहे होते हैं और इसी बीच थॉमस गलत रास्ते निकल पड़ता है और यही हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो बहुत ही नाराज था क्योंकि अब उसका काम थॉमस कर रहा होता है। अब यह थॉमस अपने रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी बेरेस्फोर्ड नाम का एक क्रेन थॉमस को रोक लेता है। वो थॉमस से बहुत ही पूछताछ करता है। वो थॉमस के दिमाग की सारी महाबेन एक कर देता है और थॉमस के डिब्बे भी थॉमस पर हंस रहे होते हैं। लेकिन एक मौका मिलते ही थॉमस उस क्रेन को चकमा देखकर वहां से निकल जाता है। अब थॉमस एक रनडाउन शेंटिंग यार्ड में आता है, जहां वो लेक्सी और थियो से मिलता है। लेक्सी और थियो एक यूजलेस इंजन से जो अब किसी भी सेवा में उपयुक्त नहीं आते। थॉमस कोयला लेकर अब वहां से निकल जाता है, लेकिन थॉमस अभी भी गलत रास्ते से ही जा रहा होता है। अब थॉमस एक स्टील कारखाने में आता है जो बहुत ही बड़ा होता है। उसे वहाँ तूफान और फ्रेंकी नाम के दो इंजन मिलते हैं। वो दोनों थॉमस को रात को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन थॉमस शुरू में मना कर देता है, लेकिन वो दोनों उसे आखिर में मना ही लेते हैं और थॉमस रात भर वहाँ रुक जाता है। अब अगली सुबह थॉमस को पता चलता है कि तूफान ने रात के दौरान उसके सारे डिब्बों को ब्रिलिंटन तक पहुंचा दिया है। यह सुनकर थॉमस बहुत ही खुश होता है। थॉमस सुडोर के लिए निकलता तभी फ्रेंकी उसे स्टील वर्क्स की मदद के लिए रोक लेती है, ये कहकर कि अब तुम्हें भी हमारा एहसान चुकता करना पड़ेगा क्योंकि हमने भी तुम्हारी मदद की है। अब थॉमस के पास कोई चारा नहीं होता और उसे वहाँ रुकना ही पड़ता है। थॉमस वहाँ पर बहुत ही मेहनत करता है, वो खुशी खुशी सारे काम कर देता है और यह मोटा कंट्रोलर थॉमस को लेकर बहुत ही परेशान था। वहाँ पर पर्सी भी आता है, वो भी थॉमस को लेकर परेशान हो रहा होता है, लेकिन मोटा कंट्रोलर उसे परेशान न होने की सलाह देता है। अब जेम्स भी चिंतित था और मोटा कंट्रोलर से थॉमस को ढूंढने की इजाजत मांगता है, लेकिन मोटा कंट्रोलर उसे ये कहकर मना कर देता है कि थॉमस सही सलामत लौट आएगा, मैं एक और ट्रेन को जोखिम में नहीं डाल सकता। अब यह थॉमस बहुत ही मेहनत कर रहा होता है, वो दोनों थॉमस को वहाँ से जाने ही नहीं देते। थॉमस अपने घर को बहुत ही मिस कर रहा होता है। थॉमस उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट नहीं टूटता। तभी थॉमस को एक रास्ता दिखाई देता है, वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद वहाँ की पटरियाँ खत्म हो जाती है और थॉमस वहाँ पर ही फंस जाता है। और अब यह पर्सी जेम्स को कहता है कि अगर तुम थॉमस को ढूंढ कर लाओगे तो मोटा कंट्रोलर तुमसे बहुत ही खुश होगा, शायद तुम उनके पसंदीदा इंजन भी बन जाओ। और ये सुनकर जेम्स थॉमस को ढूंढने निकल जाता है और अब यहाँ पर वो लोग थॉमस को ढूंढ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। थॉमस एक बार फिर से रात में भागने की कोशिश करता है, वो जैसे ही उस गेट को टक्कर मारता वो दोनों जग जाते हैं और थॉमस को रोकने लगते है। थॉमस एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गेट को तोड़ देता है और वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों भी थॉमस का पीछा करने लगते हैं, लेकिन थॉमस आगे जाकर झाड़ियों में छिप जाता है और वो दोनों आगे निकल जाते हैं। और इसी बीच थॉमस रात भर वहीं पर ही सो जाता है। अब हमें यहाँ जेम्स को दिखाया जाता है जो ब्रिलिंटन पहुँच कर थॉमस के बारे में पूछ रहा होता है और इसी बीच तूफान जेम्स की बातें सुन लेता है। तूफान समझ जाता है कि थॉमस अभी भी अकेला होगा। सोडा वापस जाते समय थॉमस फिर से बेरेस्फोर्ड से मिलता है। बेरेस्फोर्ड उसे ऊपर उठा लेता है और तभी थॉमस तूफान और फ्रेंकी को देख लेता है। ऊपर होने की वजह से वो दोनों थॉमस को नहीं देख पाते
लेकिन अब वो दोनों जेम्स को अपना शिकार बनाने जा रहे थे। थॉमस ये सब देखकर समझ जाता है कि अब ये जेम्स को अपना गुलाम बनाएंगे। लेकिन अब थॉमस कुछ इंजन्स की मदद लेता है और कारखाने तक पहुंच जाता है। थिए और लेक्सी स्टील वर्क्स इंजन्स को विचलित करते हैं, जबकि थॉमस और मर्लिन जेम्स को भागने में मदद करने की कोशिश करते हैं। और तभी वो दोनों मर्लिन को अंदर आते देख लेते हैं। अब वो दोनों जेम्स और थॉमस को पकड़ने आते हैं। वो दोनों उल्टा दौड़ते हुए अलग अलग हो जाते हैं और जेम्स का पीछा करने लगते हैं। जेम्स खुद को बचते बचाते हुए कारखाने से बाहर निकल जाता है, लेकिन थॉमस वहीं पर ही फंस जाता है। वो लावा में गिरने ही वाला होता है, लेकिन लेक्सी उसे बचा लेता है। लेकिन थॉमस की टक्कर लगने की वजह से एक डिब्बे का लावा नीचे गिर जाता है। थॉमस के पहिए पिघलने ही वाले होते हैं, तभी तूफान थॉमस को आगे धकेल कर खुद लावा में पिघलने लगता है। वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है, तभी मर्लिन उसे भी आगे धकेल कर पूरा पिघलने से उसे बचा लेता है। अब फ्रैंकी रोने लगती है क्योंकि तूफान उसकी मदद नहीं कर पाएगा, सारा काम फ्रैंकी को अकेला ही करना पड़ेगा। अब तूफान भी अपने किए पे शर्मिंदा था। वो कहता है कि हमें इस कारखाने में बहुत सारा काम दिया जाता था, तो यही कारण था कि हमने थॉमस और जेम्स को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। अब थॉमस भी उन दोनों को माफ कर देता है और कहता है कि तुम पूछ कर भी यह सारा काम करवा सकते हो, तो यहाँ से आगे किसी को भी अपना गुलाम बनाने की कोशिश मत करना। अब थियो और लेक्सी भी वहाँ पर काम करने लगते हैं। सोडर वापस जाते समय थॉमस और जेम्स एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। थॉमस जेम्स को कहता है कि दोस्त होना पसंदीदा होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो दोनों गाना गाते हुए सुडोर तक पहुंच जाते हैं। और अब लास्ट में हेनरी पूछता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, और यही पर ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।